Hello everyone, this is Mansi from evenhealthy.in coming to question number 10, exercise 8.3. So, in this question we have the population of a place increased to 54,000 in 2003. एक जगह की population given है जो 2003 में 54,000 तक हो गई है at the rate of 5% per annum. और कितने rate से increase हुई है? 5% per annum. First part में आपको find करना है the population in 2001. So, आपको बताना है 2001 में population क्या होगी. 2003 की हमें दे रखी है, 1 की हमें निकालनी है. अब इस क्वेश्चन को अगर हम जो प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट से अगर हम देखें, सो देखो जब हम एक लोन लेते हैं कि कुछ भी अमाउंट का, लेट्स सपोज 10,000 का लिया, ठीक है. सो दिस इज द प्रिंसिपल कि आपने इतने का लोन लिया. अब उसके बाद इंटरेस्ट वगैरह लगा के 2 साल के बाद जो अमाउंट आप देते हो, लेट्स सपोज वो 15,000 हो गया. So, ये हमारा क्या होता है? अमाउंट. जितना हमने लोन लिया, दैट इज द प्रिंसिपल. और बाद में इंटरेस्ट वगैरह मिला के जो हम देते हैं, दैट इज द अमाउंट. मतलब ये जो ज्यादा वाला होता है बाद में जो देते हैं, दैट इज अमाउंट. और जो पहले जितने साल पहले लिया है, दैट इज द प्रिंसिपल. वही सेम चीज अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, सो हमें आगे का 2003 का दे रखा है, सो दिस कैन बी द अमाउंट. ये अमाउंट की तरह हो गया कि इतने टाइम बाद आपका ये अमाउंट बन गया, मींस इतने टाइम बाद यहाँ पे इन दिस केस दिस इज द पॉपुलेशन. रेट आपको गिवन है, टाइम पता चल जाएगा दिस इज 2001 और ये 2003 का है. सो मींस 2 and 3 मींस 2 years. सो हमारे पास 2 years आ गया टाइम. अब सब कुछ है, निकालना क्या है? 2003 का गिवन है, 2001 का निकालना है. सो दैट विल बी द प्रिंसिपल. मतलब आपको फाइंड क्या करना है? प्रिंसिपल, ठीक है. सो हम सेम उसी की तरह फॉर्मूला अप्लाएंगे, सब कुछ सेम करेंगे, लेकिन यहाँ पे अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल फाइंड करना है, ठीक है. सो लेट्स बिगिन अगेन. लेट्स राइट डाउन क्या क्या हमें गिवन है. पी हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है. ए हमें गिवन है विच इज 54,000. बेसिकली ये प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं कि ये एक अमाउंट की तरह हो गया और वो हमें प्रिंसिपल हम फाइंड कर रहे हैं. नेक्स्ट रेट हमें गिवन है 5% एंड द टाइम इज 2 years, क्योंकि 1 का निकालना है, 3 का गिवन है. सो दिस इज 2 years, राइट. नाउ यू हैव टू फाइंड द पॉपुलेशन, मीन्स हमें पी फाइंड करना है. लेट्स यूज द फॉर्मूला ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस R upon 100 and this is N. So amount हमें given है 54,000 and principal find करना है. This will be 1 plus rate is 5. So this is 5 upon 100 and N हमारे पास है 2. So now ये as it is रहेगा, ये हो जाएगा, let's cancel this. This will be 1 and this will be 20. तो ये हो जाएगा 20 plus 1 upon 20 raised to the power 2. अगेन 54,000 एंड दिस विल बी पी एंड ये हो जाएगा 21 upon 20 दो बार, बिकॉज ऊपर स्क्वायर है, ठीक है. अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो दिस विल बी 20 into 20 विल बी 2 2s 4 और साथ में 2 0. नेक्स्ट है 21 into 21. So 1 into 1, 1, 1 into 2, 2, 2 into 1, 2, 2 into 2, 4. So we have 441. और यहाँ पे है 54,000. अब हमें P find करना है. P के साथ ये multiply हो रहा है, ये पूरा इधर जाके divide होगा. So fraction में है और यहाँ पे जाके जब divide होगा, let's suppose हमारे पास है 54,000, ठीक है. अब ये पूरा जब यहाँ के divide होगा, सो वो ऐसे होगा 441 upon 400, ठीक है. अब ये 3 बार आ गया फ्रैक्शन में, आप ऐसे तो नहीं ले सकते, मीन से जो नीचे वाला नंबर है इसका रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 54,000 into 400 upon 441, राइट. ऐसे होगा ये, सो लेट्स राइट इट डाउन. दिस विल बी 54,000 into 400 upon 441, ठीक है.
अब यहाँ पे इसको हम कट करके सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी 48980 अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज आपका पॉइंट में आएगा राइट, बिकॉज ये हो जाएगा दिस विल बी 979 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो हम उसको 48980 अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। तो ये जो हमारी पॉपुलेशन आई है दिस इज फॉर द ईयर 2001, ठीक है। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। Now coming to the second part. Second part में है what would be its population in 2005. अब हमसे कब की population पूछी है 2005 की, means 2003 से 2005, तो ये आगे का है. So now this is the principal amount, because हमें पहले का given है बाद का निकालना है. पहले हमें 2003 का given था, 2001 का निकालना था, तो उल्टा था, हम बाद में जा रहे थे, ठीक है ना। अब हमें पहले से ही गिवन है कि 2003 में इतना है, 2005 में बताओ। सो अगेन दिस विल बी, अब इस टाइम हमें प्रिंसिपल गिवन है विच इज 54,000। नेक्स्ट रेट अगेन आपके पास 5% होगा, एंड टाइम इसमें क्या होगा 3 से 5, तो 3 से 4, 4 से 5 मींस 2 इयर्स, सो द टाइम इज 2 इयर्स। नाउ लेट्स फाइंड एट पी सॉरी ए, सो फाइंड करना है ए इक्वल्स टू पी 1 + R/100 रेज टू द पावर एन। तो प्रिंसिपल क्या है 54,000, 1 + R इज 5/100 एंड एन इज 2, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी 54,000 एंड यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 1 and 20, ये हो गया 1 + 1/20 and 2। नाउ 54,000 इंटू सॉरी दिस विल बी 20, सो ये हो गया 21/20, लेकिन दो बार, जीरो से जीरो कैंसिल, 22 से कैंसिल कर देंगे, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2 एंड ये हो जाएगा 7, 0, फिर से 2 से कैंसिल करेंगे, विल गेट 1, 3 and 5। सो नाउ 21 into 21 इज 441 मल्टीप्लाई बाय, किसे मल्टीप्लाई करना है 135 से, सो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 into 1, 5, 5 into 4, 20, 5 into 4, 20 अगेन +2, 22, 3 into 1, 3, 3 into 4, 12, 4 into 1, sorry, 3 into 4, 12 + 1, 13, and this will be 144. अब इसको ऐड कर लेते हैं 5, 3, 2 + 2, 4 + 1, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 + 1, 5, तो मेरे पास आ गया 5, 9, 5, 3, 5, so this is the population in 2005, ठीक है। So this was question number 10, now it's come to the next question.